पाकिस्तान को 70 साल से जिन्होंने मुट्ठी में दबाया हुआ है ना, उनको मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। इसको समझें, ये एक तहरीक बनती जा रही है। आप जितना मर्जी डराएं, खौफ ज़दा करें, लोगों को मारें, लोगों को उठाएं, लोगों के कपड़े उतारें, यानी ये हरकतें तो मुशर्रफ ने भी नहीं की थी जो अब हो रही हैं। तो इतना जुल्म ना करता, लेकिन डिक्टेटर से ज़्यादा जुल्म करने के बावजूद ये लोगों का आप जज्बा देख लें, ये मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। पाकिस्तान को इकट्ठा करें, आप यूएन से इंक्वायरी करवा लें। सारे जानते हैं कि अरशद भाई को किसने मारा है, सबको पता है पाकिस्तान में कि वो कौन था जिसकी वजह से भाई पाकिस्तान छोड़कर बाहर गया, वो कौन था जिसने यूएई से उनको निकलवाया। सारा मुल्क जानता है, सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जानते हैं, और इन लोगों ने मजाक बनाया हुआ है कि हम ये करेंगे, वो वाली इंक्वायरी करेंगे। अब उस पर डाल दो, अब उस पर डाल दो, अब उस पर डाल दो, हद हो गई है। वैसे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त हकीकी आज़ादी का सफर इस्लामाबाद की जानब रवादावा है। मैं इस टाइम इमरान खान साहब के कंटेनर पर मौजूद हूँ, मेरे साथ इमरान रियाज खान मौजूद है। ये मनाजर तो आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही मनाजर हम देख रहे हैं पिछले 4 दिन से, और इसी तरह लोग निकल रहे हैं हर जगह पे। और लगभग पिछले 6 माह से जो हमने पाकिस्तान में देखा है, वो पहले हमने कभी नहीं देखा। लोग अपनी मर्जी आपके तहत आते हैं, इसमें बताएं ना, बसें कहाँ पे हैं, वैगनें कहाँ पे हैं, ये सारे लॉन्ग मार्च के लोग जो हैं अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर आए हुए हैं। और इट्स अमेजिंग, बहुत बड़ी तादाद में लोग इमरान खान साहब के मौकफ के साथ अब जुड़े हैं। इसीलिए पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने से सारे भाग रहे हैं। अगर पाकिस्तान में आज इलेक्शन होता है तो वो फैसला कौन इलेक्शन होगा, और उसी से सब लोग भाग रहे हैं। लेकिन कब तक भागेंगे? अल्टीमेटली आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अब ये काफिला है, कुछ सिंध से आ रहे हैं, कुछ बलूचिस्तान से आ रहे हैं, कुछ खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं। जब ये सारे लोग पहुँचेंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। और ये एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये एक एक शहर का क्राउड है। ये ऐसा नहीं है कि सारे लोग आ रहे हैं, ये इस शहर का क्राउड है। फिर आगे जाएंगे, ये पीछे रह जाएंगे, वो आ जाएंगे। तो इस तरह की जो सूरत हाल है ना, उसमें जब आप सोचेंगे, जब ये सारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पहुँचेंगे, तो अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी और हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में एंगेजमेंट इज़ द वे। ये इमरान खान साहब तो बढ़ रहे हैं आगे, इनको तो पॉलिटिकल फ़ायदा है इसमें, इनके वोट बढ़ेंगे, इनकी सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। और ये जीटी रोड है, ये नून लीग का गढ़ है, अगर वो अकलमंदी से काम लें तो इनको एंगेज करें और बातचीत करें। अच्छा मुझे ये बताएं, बहुत डराने की कोशिश की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बाहर ना निकले, उन्हीं मार जाए, और आप देख रहे हैं छतों पर, पीछे अगर देखें माएँ बहनें, सड़कों पर नौजवान, तो ये जो जज्बा है क्या कहेंगे आप? ये नहीं रुकने वाला, ये मुश्किल हो जाएगा। जो लोग पाकिस्तान को 70 साल से जिन्होंने मुट्ठी में दबाया हुआ है ना, उनको मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। वजह ये है कि लोगों ने फैसला कर लिया है, ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, माजूर लोग हैं नीचे, नौजवान हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, मैं देख रहा हूँ पैदल चल रहे हैं साथ साथ, तो उनको क्या मिल रहा है इसमें, उनको इसके क्या मिल रहा है, ये सारे लोगों को क्या मिल रहा है? इसको समझें, ये एक तहरीक बनती जा रही है। आप जितना मर्जी डराएं, खौफ ज़दा करें, लोगों को मारें, लोगों को उठाएं, लोगों के कपड़े उतारें, यानी ये हरकतें तो मुशर्रफ ने भी नहीं की थी जो अब हो रही हैं, इसके बावजूद लोग निकले हुए हैं। ये इनकलाब है, मुशर्रफ के दौर वाली सूरत हाल अगर होती, अगर कोई डिक्टेटर भी होता तो इतना जुल्म ना करता, लेकिन डिक्टेटर से ज़्यादा जुल्म करने के बावजूद ये लोगों का आप जज्बा देख लें, ये मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। पाकिस्तान को इकट्ठा करें, पाकिस्तान को बिखेरे मत, दुश्मनियाँ ना डालें, पाकिस्तान को एक मुल्क की तरह डील करें। वहाँ के लोग आपसे इलेक्शन मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, उनको वो दीजिए आप। अभी आप ये देखें ना कि अरशद भाई के मामले के अंदर कभी मोड़ के इधर ले जाते हैं, कभी मोड़ के उधर ले जाते हैं। यार हमारा दिल दुखा हुआ है, हमें चोट लगी हुई है, हम आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, अल्लाह का वास्ता यार, खुदा का नाम ले लो यार, आप यूएन से इंक्वायरी करवा लें। सारे जानते हैं कि अरशद भाई को किसने मारा है, सबको पता है पाकिस्तान में कि वो कौन था जिसकी वजह से भाई पाकिस्तान छोड़कर बाहर गया, वो कौन था जिसने यूएई से उनको निकलवाया। सारा मुल्क जानता है, सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जानते हैं, और इन लोगों ने मजाक बनाया हुआ है कि हम ये करेंगे, वो वाली इंक्वायरी करेंगे, अब उस पर डाल दो, अब उस पर डाल दो, अब उस पर डाल दो, हद हो गई है वैसे। अच्छा मुझे ये बता दें, ये कहा जा रहा था इमरान रियाज साहब मुल्क छोड़कर चले गए हैं, तो इमरान रियाज साहब तो इधर आज़ादी वाले कंटेनर पर खड़े हैं। ये प्रैंक हो गया, ये प्रैंक हो गया। देखें
मुल्क छोड़ कर नहीं मैं जा सकता कभी भी, मेरा मुल्क है ये नहीं छूटता। जो लोग बाहर गए हुए हैं उनकी तकलीफ का आप अंदाजा कीजिए, क्या साबिर भाई ने खुशी से मुल्क छोड़ा हुआ है? क्या अरशद भाई खुशी से गए थे, जंगल के अंदर पड़े हुए थे? वो नाजों का भला हुआ इंसान था, नफीस आदमी था। आपने देखा हम सबसे अच्छे कपड़े पहनते थे, वो हम सबसे अच्छे दिखते थे वो, तो वो बेचारे वहाँ अफ्रीका के जंगलों में पड़े हुए थे, वो खुशी से तो नहीं गए थे? साबिर भाई खुशी से तो नहीं गए? बाकी लोग खुशी से तो नहीं गए? ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है कि ये हमारे अंदर से पाकिस्तान को निकाल दें, ये कर नहीं पाएंगे, होगा नहीं। पाकिस्तानी बहुत फिक्रमंद थे आपको सोच के, क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को? आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला पाकिस्तान का भला करे, दुआ करें कि ये पाकिस्तान किसी ऐसी मंजिल की तरफ बढ़े कि ये सारे खदशात और ये सारे खतरात खत्म हो जाएं। अल्लाह ताला से ये दुआ करें सारे पाकिस्तानी। आमीन।